नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर, पहले इंडिगो और एयर इंडिया दोनों की फ्लाइट से पहुंचे हैं नागरिक। इस वक्त आपको बता दें कि दिल्ली ये फ्लाइट्स लैंड हुई हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट इनका हुआ है जिसका इंतजार अभी हो रहा है। 237 भारतीयों को लेकर काबुल से लौटे हैं दो विमान। ये बड़ी खबर अभी तक की, 237 यात्री काबुल से दो विमान लौटे हैं, भारत पहुंचे हैं। 87 भारतीयों का एक दल जो कि पहुंचा है एयर इंडिया के विमान से भारत पहुंचा है। सबसे पहले इनका आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। इंडिगो के विमान में 60 लोगों की वतन वापसी हुई है। इमिग्रेशन और कस्टम विभाग से होते हुए ये लोग बाहर आएंगे। हालांकि इस बीच विस्तारा के विमान से भी 75 लोग लौटे हैं। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि सबसे पहले आरटीपीसीआर रिपोर्ट का इंतजार रहेगा और इसके बाद यात्री बाहर आएंगे। काबुल से भारत पहुंचा है 87 भारतीयों का यह दल। दोहा से आने वाली पहली इंडिगो की फ्लाइट में भी 60 भारतीय आए हैं और तजाकिस्तान से कुल 94 नागरिक आए हैं, जिनमें 87 भारतीय, 2 नेपाली, 5 डिप्लोमेट हैं।